हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ड। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी 10 मूवी फ्रेंचाइज या सीरीज़ के बारे में, जिसका पार्ट 1 पहले आ चुका है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो उस वीडियो का सेकेंड पार्ट है, जिसके अंदर आपको 10 दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइज के बारे में जानने को मिलेगा। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी 10th मूवी फ्रेंचाइज है हैनिबल लेक्टर, जिसकी सबसे पहली मूवी आई थी 1988 मैन हंटर, जो एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी, जिसके अभी तक टोटल 5 पार्ट्स आए थे। पहली मूवी थी मैन हंटर, दूसरी द साइलेंस ऑफ द लैम्स, तीसरी हैनिबल और चौथी रेड ड्रैगन, पांचवी हैनिबल्स राइजिंग। इस सीरीज की अगर बात करें तो इसके अंदर सीरियल किलर्स की कहानी दिखाई गई है, जो बहुत अजीब तरीके से मर्डर करते हैं और FBI एजेंट उनको पकड़ नहीं पाते। तो अगर आपको सीरियल किलर वाली मूवी देखना पसंद है तो ये सीरीज, ये मूवी फ्रेंचाइज आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इस मूवी सीरीज की सभी मूवीज की अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इस मूवी सीरीज ने 6,915 करोड़ कमा लिए हैं और इस सीरीज की मोस्ट ऑफ द मूवीज हिंदी में ही अवेलेबल हैं। हमारी 9th मूवी फ्रेंचाइज है टर्मिनेटर, जिसकी सबसे पहली मूवी आई थी 1984 में। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी सीरीज है। इस मूवी की सबसे पहली मूवी का बजट था $6.4 मिलियन यानी 48 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए थे 78 मिलियन यानी 588 करोड़ रुपीज। इस सीरीज की टोटल अभी तक 5 मूवी आ चुकी है। पहली द टर्मिनेटर, दूसरी टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे, तीसरी टर्मिनेटर 3 राइज ऑफ मशीन, चौथी टर्मिनेटर सेल्वेशन, पांचवी टर्मिनेटर जेनेसिस और छठी टर्मिनेटर डार्क फेट। इस सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई मशीन्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो इतने ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं कि वो लोग इंसानों को गुलाम बनाना शुरू कर देते हैं। इंसान उससे किस तरह बचते हैं वो आपको इस मूवी सीरीज के अंदर देखना है। अगर इस मूवी सीरीज की सभी मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इस मूवी सीरीज ने 15,772 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस सीरीज की सभी मूवीज हिंदी में अवेलेबल हैं। हमारी 8th मूवी सीरीज है प्लैनेट ऑफ एप्स, जिसकी सबसे पहली मूवी आई थी 1968 में। ये एक एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी सीरीज है। इस मूवी सीरीज की जो सबसे पहली मूवी आई थी उसका बजट था $5.8 मिलियन यानी 43 करोड़ रुपीज और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $32.5 मिलियन यानी 244 करोड़ रुपए का। इस मूवी सीरीज के अभी तक टोटल 9 मूवीज आई हैं। इस मूवी सीरीज की स्टोरी की अगर बात करें तो इसके अंदर कहानी दिखाई गई एप्स की, जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, एडवांस हो जाते हैं, जिसके बाद वो इंसानों को गुलाम बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में इंसान किस तरह उनसे बचते हैं वो आपको देखना है इस मूवी सीरीज के अंदर। इसके अभी तक टोटल 9 पार्ट्स आए हैं और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हिंदी में ही अवेलेबल हैं। और अगर बात करें कि इन सभी मूवीज ने कितने पैसे कमाए, तो इन सभी मूवीज ने $2.12 बिलियन यानी 15,937 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमारी 7th मूवी सीरीज है स्टार ट्रैक, जिसकी सबसे पहली मूवी आई थी 1979 में, जिसका नाम था स्टार ट्रैक द मोशन पिक्चर्स। ये एक एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी सीरीज है। इस मूवी सीरीज की जो सबसे पहली मूवी आई थी उसका बजट था $35 मिलियन यानी 262 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $139 मिलियन का यानी 1,043 करोड़ रुपए का। इस मूवी सीरीज में अभी तक टोटल 13 मूवीज आई हैं और मोस्ट ऑफ द मूवीज हिंदी में ही अवेलेबल हैं। इस मूवी सीरीज की अगर सभी मूवीज के कलेक्शन की बात करें तो इन सभी मूवीज ने मिलकर $2.2 बिलियन यानी 16,500 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमारी 6th मूवी फ्रेंचाइज ओशन 11, जिसकी सबसे पहली मूवी आई थी 2001 में। ये क्राइम थ्रिलर मूवी सीरीज है। इसकी सबसे पहली मूवी का बजट था $85 मिलियन यानी 637 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $450 मिलियन यानी 3,382 करोड़ रुपीज का। इस मूवी सीरीज की अभी तक टोटल 4 मूवीज आई हैं। पहली मूवी आई थी 2001 में, जिसका नाम था ओशन 11। दूसरी मूवी आई थी 2004 में, जिसका नाम था ओशन 12। तीसरी मूवी आई थी 2007 में, जिसका नाम था ओशन 13। और चौथी मूवी आई थी 2018 में, जिसका नाम था ओशंस 8। इस मूवी सीरीज की अगर कहानी की बात करें तो इसके अंदर कहानी दिखाई गई कुछ चोरों की, जो लोग मिलकर बहुत बड़ी बड़ी डकैती करते हैं। इसकी पहली मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 11 लोगों की, जो लोग मिलकर लॉस एंजलिस के 3 कैसिनोज को एक साथ लूटने का प्लान बनाते हैं। क्या वो लोग इसमें सफल हो पाते हैं, यानी वो आपको देखना है इस मूवी के अंदर। इस मूवी सीरीज की 3 मूवीज हिंदी में अवेलेबल है और 1 मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। इस मूवी सीरीज के अगर सभी मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इस पूरी मूवी सीरीज ने $1.42 बिलियन कमाए यानी 10,650 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमारी 5th मूवी सीरीज है इंडियाना जोन्स की सीरीज, जिसकी सबसे पहली मूवी आई थी 1981 में, जिसका नाम था इंडियाना जोन्स एंड द राइडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। जिस मूवी का बजट था $18 मिलियन यानी 135 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $389.9 मिलियन यानी 2,926 करोड़ रुपए का, जो कि बहुत ज्यादा है उस समय के हिसाब से। इस मूवी सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई इंडियाना जोन्स की, जो
बहुत पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं, बहुत मिस्टीरियस चीज़ों को ढूंढते हैं और इन्हें पता लगता है एक बहुत मिस्टीरियस बॉक्स के बारे में जिसकी वजह से हिटलर की आर्मी पड़ी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत मिस्टीरियस पावर है जिसकी मदद से हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 जीत सकता है। ऐसे में इंडियाना जोन्स किस तरह हिटलर की आर्मी को रोकते हैं, उनसे पहले उस बॉक्स को अचीव करते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। इसके अभी तक टोटल 4 पार्ट्स आए हैं और चारों ही पार्ट्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। अगर इस मूवी सीरीज के सभी मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी तक $1.9 बिलियन इस फ्रेंचाइज ने कमा लिए हैं, जिसका मतलब होता है 14,850 करोड़ रुपये, और इसका 5th पार्ट 2023 में आने वाला है। हमारी 4th मूवी सीरीज है मिलेनियम सीरीज, जिसकी सबसे पहली मूवी थी द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू जो आई थी 2009 में। ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी सीरीज है। जिस मूवी सीरीज की सबसे पहली मूवी का बजट था $13 मिलियन यानी 97 करोड़ रुपये, और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $104 मिलियन का यानी 783 करोड़ रुपये का। इस मूवी सीरीज की अभी तक टोटल 4 मूवीज आई हैं, जो मोस्ट ऑफ द मूवीज हिंदी में ही अवेलेबल हैं। अगर इस सीरीज के सभी मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इस मूवी सीरीज ने $448 मिलियन यानी 3,352 करोड़ रुपीज कमाए हैं। अगर आपको ये कलेक्शन कम लग रहा है तो रुकिए इस वीडियो के एंड तक, वहां पे आपके होश उड़ जाएंगे जब आप पहली मूवी फ्रेंचाइज के कलेक्शन के बारे में सुनेंगे। हमारी 3rd मूवी सीरीज है ब्रॉन्ज, जिसकी सबसे पहली मूवी आई थी 2002 में, जिसका नाम था द ब्रॉन्ज आइडेंटिटी, जो एक एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट था $60 मिलियन यानी 450 करोड़ रुपए, और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $210 मिलियन यानी 1,606 करोड़ रुपए। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक CIA एजेंट की, जिसको पता होता है कि वो CIA एजेंट है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो है कौन, वो जिस जगह पे हो वहां पे वो किस लिए है। और इस मूवी के अंदर उसका मिशन है कि उसे पता लगाना है अपनी आइडेंटिटी के बारे में, और उसे CIA वालों से बचना है। आखिर CIA वाले उसको क्यों पकड़ना चाहते हैं और आखिर वो है कौन, वो सब कुछ आप देखिए इस मूवी के अंदर। इस मूवी सीरीज की अभी तक टोटल 5 मूवीज आई हैं, जो सभी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। इन सभी मूवीज ने मिलकर $1.66 बिलियन कमाए हैं यानी 12,450 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमारी 2nd मूवी सीरीज है मैड मैक्स, जिसकी सबसे पहली मूवी आई थी 1979 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी सीरीज है। जिस मूवी सीरीज की सबसे पहली मूवी का बजट था सिर्फ $3 लाख यानी 2.25 करोड़ रुपए, यानी 2.5 करोड़ से भी कम इस मूवी का बजट था, लेकिन इस मूवी ने कलेक्शन किया था $99.7 मिलियन का यानी 748 करोड़ रुपए का, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत ज्यादा कलेक्शन इस मूवी ने किया था, जिसकी वजह से काफी फेमस हो गई थी उस समय में। इस मूवी सीरीज की अभी तक टोटल 4 मूवीज आई हैं, और इस मूवी सीरीज की सबसे बेस्ट मूवी है मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो आई थी 2015 में। वो मूवी लिटरली एक बहुत कमाल की मूवी है, जिस मूवी के अंदर आपको बहुत आउटस्टैंडिंग एक्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह के एक्शंस हो सकता है इससे पहले आपने कभी भी ना देखे हों। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड की, जहां पे दुनिया लगभग तबाह हो चुकी है, हर तरफ भुखमरी है और बहुत कम इंसान बचे हुए हैं। इसी बीच कहानी दिखाई गई एक बहुत बड़े तानाशाह की, एक बहुत क्रूर तानाशाह की, जो लोगों को तड़पाता है, उनसे मजदूरी करवाता है और उन्हें खाना भी बहुत कम देता है। उसके पास पानी है, हर तरह की चीज़ें हैं जो जीवन जीने के लिए चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों को बंदी बनाता है। पर एक दिन उसके कारागार से कुछ बंदी भाग जाते हैं उसकी 3 बीवियों को लेकर, जिसके बाद आगे क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। अगर हम इस सीरीज की सभी मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इन सभी मूवीज़ ने $527 मिलियन कमाए हैं यानी 3,952 करोड़ रुपये कमाए हैं। हमारी 1st मूवी फ्रेंचाइज है MCU यानी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स, जिसकी सबसे पहली मूवी आई थी 2008 में, जिसका नाम था आयरन मैन। वो एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी थी। जिस मूवी का बजट था $140 मिलियन यानी 1,050 करोड़ रुपये, और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $585.7 मिलियन का यानी 4,396 करोड़ रुपीज़ का। और यही वो मूवी थी जिसने MCU यानी मार्वल को बचाया था डूबने से, कंगाल होने से। अभी तक MCU की टोटल 27 मूवी आ चुकी है, जिनके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी मूवीज़ आई हैं, और अगर हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नाम लिख कर दे दूंगा, सीरियल वाइज आप वहाँ पर भी उसको देख सकते हैं। ये सीरीज़ एक सुपर हीरो सीरीज़ है, जिसके अंदर आपको सुपर हीरोज़ की कहानी देखने को मिलेगी। इस सीरीज़ की सभी मूवीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए जब आप एक मूवी को देखेंगे और धीरे धीरे 2-4 मूवियों को देखना शुरू करेंगे तो आप सारी की सारी मूवी देखे बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये मूवी है ही एक बहुत कमाल की मूवी सीरीज़। इसी मूवी सीरीज़ की एक मूवी है एवेंजर्स एंड गेम, जो इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितनी कमाल की मूवी सीरीज़ होगी। इस मूवी सीरीज़ में अभी तक टोटल 27 मूवीज़ आई हैं, जिन्होंने मिलकर कमाए हैं $25.45 बिलियन यानी 1,90,875 करोड़ रुपये, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इस मूवी सीरीज़ की सभी मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं Disney+ Hotstar पे। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।